प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 में कार्यपत्रक 92। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 92 दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। यह कविता पढ़िए, हमें इस कविता को पढ़नी है। बड़े आलसी बालू राम सारे दिन करते आराम, बेच खा गए नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबे, मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते अब चालू राम, हाथ हाथ पर रखकर बैठे रहते हैं ये दिन भर ऐठे, इसलिए तो लोग इन्हें सब कहते हैं अब चालू राम। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं, लिखने हैं। प्रश्न 1, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे, लिखिए। तो इसका हम नाम दे सकते हैं आलसी बालू। आलसी बालू। प्रश्न 2, बालूराम को कवि ने 2 और नाम क्या दिए हैं, लिखिए। बालूराम को 2 नाम क्या दिए, चालू राम और टालू राम। चालू राम और टालू राम। प्रश्न 3, इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। कविता का भाव यह है कि आलस्य के कारण सभी कार्यों को टालने पर बालू की तरह पीछे रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कविता का भाव है कि यदि आलस्य के कारण सभी कार्यों को टालने पर बालू की तरह पीछे रह जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया? यानी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न 4, कवि द्वारा बालूराम को दिए 2 अन्य नामों का क्या कारण है? बालू के गलत कार्यों के कारण चालूराम और कुछ काम नहीं करने के कारण टालूराम नाम दिया है। हम लिख सकते हैं बालू के गलत कार्यों के कारण चालूराम और कुछ काम नहीं करने के कारण टालूराम नाम दिया है। प्रश्न 5,
आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं लिखिए। तो हम लिख सकते हैं, आलस करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, समय पर कार्य पूर्ण नहीं होता है, आलस्य से सभी लोग हमें बार बार डांटते हैं, आलस्य से धन की हानि होती है, धन की हानि भी होती है। तो यानी आलस्य के बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो हमें कभी भी जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक 92। आज की क्लास में हमने कार्यपत्रक 92 समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए और इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।